डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन्स को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में, भारत में सबसे आसान है एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गाँव में ले लो। जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता है। अगर वो इस सेक्टर में घुस गए, यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पर, आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन है कि नहीं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर वहीं पे, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें, और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है, उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता, हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती है। देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए। हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड हैं, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट, इसमें अमेरिकन्स और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश को, कुछ नहीं कर सकते, और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा कमा के ले जा सकता है। छोटी छोटी बातों में वो पैसा कमाएंगे आपके देश में आके, जो बातें आपके लिए सहज हैं, स्वाभाविक हैं, आप उनकर एक कल्पना नहीं हो सकती। बैंगलोर